हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट पार्ट 4 जो है उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। सॉरी, पार्ट 5 जो है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें बताया गया था, हम लोग पढ़ रहे थे कि मतलब बहुत सारे एविडेंसेस मिले, फॉसिल्स मिले, जिससे हम लोग को अलग अलग साइट्स का पता चला। तो अब यहाँ पर बताया गया कि 35,000 ईयर्स एगो हमें कुछ और ऐसे एविडेंसेस मिले, जिससे हमें ये पता चला कि जब भी हंटिंग करी जाती थी तो वो एक प्रॉपर प्लान्ड वे में करी जाती थी, और वो भी यूरोपियन साइट्स से। ठीक है, कुछ और साइट्स भी थी जैसे दलोनी, ठीक है, वेस्टोनिक हो गया जो कि एक रिपब्लिक से बिलोंग करता था, और जो कि कहीं ना कहीं मतलब रिवर साइड पे था, जिससे कि ये देखा गया कि डेलिब्रेटली जो अर्ली पीपल थे वहाँ से, वो वहाँ पर वो लोग रहते थे। अब जैसे भी हर्ड्स ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स जो हैं, मतलब जो कि एक एनिमल्स का झुंड जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते थे, उनमें भारा सिंगा भी था, हॉर्स भी हुआ करते थे। जब वो रिवर क्रॉस करते थे ऑटम सीजन और स्प्रिंग सीजन में उनकी माइग्रेशन होती थी, तो लार्ज स्केल में उनकी किलिंग कर दी जाती थी, मतलब उनको मार दिया जाता था बाय द अर्ली पीपल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बताया गया ये जो चॉइस ऑफ सच साइट्स था, जिससे हमें यह पता चला कि पीपल जो थे वो जानते थे कि यहाँ से एनिमल की मूवमेंट हो सकती है, और उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने उन एनिमल्स की किलिंग करना स्टार्ट कर दिया। बहुत लार्ज नंबरिंग में उनकी किलिंग करी गई, जिसकी वजह से वहाँ पर एनिमल्स जो थे उनकी नंबरिंग बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई। अब हम लोगों को ये पता तो है नहीं है कि उन्होंने मैन और वुमेन का वर्क जो था उनको अलग अलग डिफरेंट रोल्स दे रखे थे, कि आपने क्या करना है, गैदरिंग कौन करेगा, स्क्वेंजिंग कौन करेगा, हंटिंग कौन करेगा, फिशिंग कौन करेगा, ये सब क्वेश्चंस हमारे माइंड में राइज होते हैं, जबकि हम लोग इसके बारे में रियली नहीं जानते हैं कुछ भी। लेकिन आज के टाइम पर जो सोसाइटीज़ हैं उन्होंने ये फाइंड कर लिया है, ये फाइंड आउट कर रखा है, ये पता लगा लिया है कि ये जो हंटिंग करते थे लोग, वो गैदरिंग पर, हंटिंग और गैदरिंग पर ही डिपेंड हुआ करते थे, और जो वुमेन और मेन थे उनकी एक प्रॉपर अंडरटेकिंग होती थी, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपरली परफॉर्म करना है। लेकिन अगर हम लोग इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली चलें, और इसके बाद जो पास्ट था, पास्ट से प्रेजेंट की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो आज के टाइम पर बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्ली ह्यूमंस के बारे में, जो ट्रीज़ से केव्स की तरफ मूव हो चुके थे, ओपन एयर साइट्स में उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया था। तो अब यहाँ पर बताया गया है, हम लोगों ने बहुत सारे फॉसिल्स, बहुत सारे एविडेंसेस से ये पता चला कि अब जो भी अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि अब हम लोग को क्या करना है, कुछ ऐसे पैटर्न्स फॉलो करने होंगे ताकि हम लोग भी एक प्रॉपर रेजिडेंस में रह सकें, मतलब जहाँ पर हम लोग खुद से एक जगह बनाएं जहाँ पर हम लोग ईजिली सर्वाइव कर पाएँ। तो उन्होंने बहुत सारी मतलब क्या करना शुरू कर दिया, बहुत सारे एरियाज़ में एयर आर्टिफैक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, जिससे हम लोग को ये पता चला कि उनके रेजिडेंस का क्या मतलब एरिया हुआ करता था, उनके घर की शेप कैसी होती थी, वो किस तरह से रहते थे। आर्टिफैक्ट्स का मतलब क्या हो गया, उन्हें मतलब ये चित्रकला जिसको हम लोग बोलते हैं, वो मतलब चित्रकारी के थ्रू हमें ये पता चला। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बताया गया बहुत सारे ऐसे थाउजेंड्स ऑफ नंबरिंग में फ्लेक टूल्स जो थे वो देखने को मिले, हैंड एक्सेस मिली, कुल्हाड़ियाँ मिली जो कि हम लोगों को किलोम्ब और ओलोगेरिसलीज में जो कि केन्या में है वहाँ से एक्सकेवेटेड करी गई थी, वहाँ से मिली थी। ठीक है, और उसके बाद ये फाइंड किया गया, ये पता किया गया कि ये कब मतलब कब की बनी हुई हैं, अराउंड 7 लाख और 5 लाख मतलब ईयर्स एगो जो था इसके बीच में ही इनकी फॉर्मेशन हुई थी, बनाया गया था इन्हें। तो अब हमें ये पता करना था कि ये जो टूल्स थे उनको किस तरह से इकट्ठा कर रहे थे, कौन से प्लेस से ला रहे थे। ये तो पॉसिबल था, कोई ना कोई प्लेसेस तो होंगे ही होंगे जहाँ पर वो क्या करते थे, फूड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते होंगे, जहाँ पर ये अर्ली ह्यूमंस जो थे वो रिपीटेडली क्या करते थे, रिपीटेडली विजिट करते रहते थे, मतलब हर दिन वो वहाँ पर आते जाते रहते थे रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए, गैदर करने के लिए। और ऐसे एरियाज थे जहाँ पर लोग जो थे वो आते थे और उनकी एक्टिविटीज़ को ट्रेस करना चाहता था, मतलब उनकी प्रेजेंस वहाँ पर होती थी, और इसकी वजह से वहाँ पर क्या किए जाते थे, आर्टिफैक्ट्स बना दिए जाते थे, मतलब उनकी कुछ चित्रकारी या फिर कुछ भी सीनरी वगैरह बना दी जाती थी कि वो किस तरह से कौन सी एरिया में उन्होंने क्या एक्टिविटी परफॉर्म करी, उन्होंने क्या किया वहाँ पर, ये सब चीज़ें हम लोगों को आर्टिफैक्ट्स के थ्रू ही मिलती हैं।
देन उसके बाद उनने आर्टिफैक्ट्स के मतलब प्रॉपरली डिपॉजिट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से हम लोगों को ये कुछ पैचेस मिले कि मतलब हाँ लैंडस्केप कुछ मतलब भूदृश्य भी जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ज़मीनी स्तर पर कुछ ऐसी पिक्चर्स देखने को मिली जिससे हम लोगों को कुछ और चीज़ों के लिए क्लैरिफिकेशन मिल गई कि हाँ अर्ली ह्यूमंस इस तरह से दिखते थे, वो इस तरह के काम करते थे, इस तरह से हंटिंग होती थी, वॉट एवर इस तरह की चीज़ें वहाँ से हम लोगों को क्लियर होती हैं। देन यहाँ पर बताया गया कि प्लेसेस यहाँ पर वो बहुत कम विज़िट करते थे, वहाँ पर आर्टिफैक्ट्स भी बहुत ही कम हुआ करते थे, मतलब वहाँ पर भी उनके पिक्चर्स जो थी वो बहुत कम बनाई जाती थी। और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं वो उस सरफेस पर बहुत कम जाते थे जहाँ पर अप एंड डाउन हो, मतलब अलग अलग हो, थोड़ा डिफ्रेंसीशन हो जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर रिसोर्सेज थोड़ा कम मिलते थे वहाँ पर अर्ली ह्यूमंस का जाना बहुत ही कम होता था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई गई है जो कि आप लोगों को याद रखनी है कि सेम लोकेशंस जो थी वो सिर्फ और सिर्फ कौन लोग शेयर करते थे, होमोनिड्स, जो होमोनॉइड्स की ही एक मतलब प्रजाति थी, स्पीशीज थी, और अदर जो प्रीमेट्स थे और जो कार्निवोरस थे, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, सेम मतलब लोकेशन को शेयर करते थे। आप लोग इस लोकेशन सॉरी इस डायग्राम को देख के ये पता चल सकता है आप लोगों को कि वो किस तरह से काम करते थे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इनपुट एग्जिट बताया गया है, होमोनिड्स हैं, लियोपर्ड्स फीडिंग इन ट्री, ठीक है, ऑल है, ठीक है, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि बिटवीन 4 लाख से लेकर 1,25,000 ईयर्स एगो जो है, मतलब उसमें ये बताया गया कि केव्स जो थी और ओपन एयर साइट्स जो थी अब वो यूज़ करी जाने लगी अर्ली ह्यूमंस के द्वारा। कुछ एविडेंसेस हमें ये मिले कहाँ से, यूरोपियन कंट्रीज से मिले, जो कि कहाँ मतलब कौन से एरिया की स्पेशली बात हो रही है, लेजारेट केव जो कि सदर्न फ्रांस से बिलोंग करती है, वहाँ पर बताया गया 12x4 meter शेल्टर जो थी उसको बनाया गया था केव वॉल के साथ जोड़ के, उसके मतलब अगेंस्ट ही था वो। देन उसके बाद इस केव के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिला था, कुछ हर्थ, हर्थ किसको कहा जाता है, चूल्हे को कहा जाता है, 2 हर्थ मिली थी वहाँ पर, जिससे हम लोगों को ये पता चला कि वो अलग अलग फूड सोर्सेज को यूज़ करते थे, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीड्स, नट्स, बर्ड एग्स एंड फ्रेश वाटर फिश, ठीक है, जिसमें कौन कौन सी थी, ट्रॉट थी, पर्च थी और क्रैप थी, ठीक है, और कुछ और साइट्स थी जैसे तिर्रा अमाता जो कि कहाँ पे था, सदर्न फ्रांस से बिलोंग करता था, फिल्मिसी शेल्टर्स, और उनने क्या बनाए थे, प्रॉपर रूफ्स थे जो कि वुड से बने हुए थे, ग्रासेस थी जो कि बनाए गए थे क्योंकि वहाँ पर सीजनल विजिट होता था, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए रहने के लिए वो वहाँ पर आते थे अर्ली ह्यूमंस। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कुछ बेक्ड क्ले पीसेस भी देखने को मिले उन केव्स में, और उसके बाद बताया गया कुछ बोन्स के पीसेस मिले जिनको बर्न किया जाता था, और किसकी हेल्प से, स्टोन टूल्स की हेल्प से, और कहा जाता है कि ये डेट जो मतलब पता किया गया था वो कब की थी, 1.4 and 1 million year ago के बीच का ये टाइम पीरियड बताया गया जब उन्होंने केव फॉर्मेशन या फिर हम लोग बोल सकते हैं केव्स में और ओपन एयर साइट्स में रहना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर ये जो मतलब एविडेंसेस थे वो कहाँ से मिले, केशवंचा से मिले, केन्या से, स्वर्टकर्न से मिले, साउथ अफ्रीका से मिले, ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया इन सभी चीज़ों के बारे में जानकर एक रिजल्ट फॉर्म किया गया कि ये जो नेचुरल बुश फायर है या वल्कनिक एरप्शंस है ये कहीं ना कहीं अर्ली ह्यूमंस की ही देन है। उन्हीं की वजह से हम लोगों को ये पता चला कि जब उनकी फायर जो थी, जो भी उनके पास आग के मतलब टूल्स एंड टेक्निक्स होती थी, जब वो कंट्रोल नहीं होती थी, उनसे यूज़ करते करते कंट्रोल नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वल्कनिक एरप्शन या इस तरह की कुछ बुश फायर जो थी वो देखने को मिल सकती थी। लेकिन हम लोग ये बिल्कुल क्लियरली नहीं बोल सकते कि हाँ ऐसा ही होता था, वल्कनिक एरप्शन ऐसा ही होता था, ठीक है, ये हम लोग जस्ट एज ए इमेजिनेशन या खुद की एक मतलब थिंकिंग डिवेलप कर रहे हैं। हर्थ्स मतलब जिनको किचन्स कहा जाता है, जिनको चूल्हा कहा जाता है, वो एक इंडिकेशन थी कि वो एक प्रॉपर कंट्रोल्ड वे में फायर का यूज़ करते थे, और उसी के थ्रू वो क्या करते थे, प्रॉपरली अपनी नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करते थे। उनका आप लोगों को अच्छी तरह से पता है फायर का, आग के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, जैसे कि आग जो है वो हमें गर्माहट प्रोवाइड करती है, और एक और चीज़ भी है कि वो लाइट भी प्रोवाइड करेगी केव में, है ना, जबकि कोई गुफा होगी तो वहाँ पर तो ऑब्वियस आप लोगों को पता ही अंधेरे ही होगा, तो लाइटनिंग पर्पजेज के लिए भी फायर जो है वो हेल्पफुल थी। और उसके बाद दूसरी तो आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ पता ही है, कुकिंग के लिए भी
जो केव सॉरी फायर जो है वो बहुत ही नेसेसरी है उन सभी चीज़ों के लिए। अगर हम लोग बात करें वुड जो है उसमें हार्ड वुड का यूज़ किया जाता तभी फायर जो है प्रॉपरली वर्किंग में आती है ना। देन फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें यहाँ पर बताया गया कि कुछ ऐसे मतलब टूल्स थे कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको यूज़ किया जाने लगा हीटिंग पर्पजेज के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि डेंजरस एनिमल्स जो थे वो आग को देख के बहुत ही दूर रहते थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।